अभी एक्चुअली हमारी फिल्म बहुत सारी रेडी है, मुकद्दर का सिकंदर रिलीज़ होने पर है और हम शूट कर रहे हैं निरहुआ द लीडर की। रोमियो राजा हमारी फिल्म शूट होके कंप्लीट है, वो भी आएगी अगले साल। अगले साल होली दिवाली सारी बड़ी बड़ी डेट्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो गई है और उनमें से 3 फिल्मों का तो निर्माण पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और वो भी बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक हम लोग एजुकेशन माफिया के ऊपर फिल्म कर रहे हैं, रोमियो राजा, कैसे लोग अपने प्राइवेट स्कूल्स चलाने के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है उसके ऊपर कहानी है। वो भी एक नॉर्मल लीग से हट के फिल्म है, बहुत अच्छी लगेगी लोगों को, आई एम वेरी श्योर। बहुत मेहनत की है उस फिल्म में मैंने और दिनेश जी ने, और फिर निरहुआ द लीडर बन के रेडी है। ये वो बहुत ही हद तक ऐसी कहानी है जो सोसाइटी में एक नॉर्मल लड़का नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है और उससे कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे वो पब्लिक की नज़र में आ जाता है, पॉलिटिशियंस की नज़र में आ जाता है, तो वो कैसे अपने आप को स्टैंड कराता है इस सोसाइटी में और कैसे समाज में एक अच्छा नेता बन के समाज को सुधारने की कोशिश करता है, वो फिल्म है। तो ऐसी कई सारी फिल्में लाइंड अप है। फिर हम अगले साल शूट करने जा रहे हैं निरहुआ रिक्शा वाला 3, उसके बाद हम करने जा रहे हैं निरहुआ हिंदुस्तानी 4। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी पिक्चर है 2020 में। मैं यही कहूँगी जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट है और आई एम श्योर कि इसके जितने पंचेज मैंने पढ़े हैं, जब पढ़ के ही मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो जब ऑडियंस देखेंगे तो उनको और भी मज़ा आएगा। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो आप लोग जाइएगा अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में 5 मेहरिया फिल्म देखने, क्योंकि आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। के जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है और हमेशा सीन को बहुत अच्छे से डेवलप कर देते हैं और उनका कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छा है, तो इसमें भी बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया है और वेरी एंटरटेनिंग लाइक ऑलवेज। थैंक यू।